तो आज गुजरात का चुनाव जो खत्म हुआ उस पर एक सवाल है जो शायद जिसका जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल है। कौन जीता है ये गुजरात का चुनाव? अगर आप इलेक्टोरली देखें तो सरकार तो बीजेपी की बन रही है, तो वैसे इलेक्टोरल जीत तो बीजेपी की हुई, लेकिन क्या एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला कांग्रेस को, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस की भी जीत हुई? तो ये मुद्दे हैं जो मैंने आज अपने कॉलम में लिखे हैं, और मैंने 5 ऐसे टेक अवे गुजरात पोल्स के बारे में लिखे हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। मेरा पहला निष्कर्ष तो ये है कि राहुल गांधी जो अभी तक काफी ज्यादा चुनाव हारते जा रहे थे और जिनको शायद मीडिया में और ऑपोजिशन स्पेस में लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे, इस चुनाव में उन्होंने दिखाया कि वो लायंस के डेन में घुस गए, वो मोदी जी के गढ़ में घुसे। गुजरात मोदी जी का गढ़ है, मोदी जी गुजरात के सुपुत्र हैं, उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है आज गुजरात में। लेकिन राहुल गांधी अगर डरे होते तो शायद वो अलग रहते इस चुनाव से और इतनी कूदते नहीं उसमें, लेकिन वो पूरी तरह से कूदे ही नहीं, उन्होंने काफ़ी जीत भी हासिल करी। 60% वोट थी मोदी जी की गुजरात में 2014 में, वो गिर के 49% आ गई, तो 11 परसेंटेज पॉइंट की वोट का लॉस हुआ है उनको। करीब 160 असेंबली सीट मोदी जी ने जीती थी 2014 में, वो गिर के 100-102 पे आ गई हैं, तो 60 ज़्यादा सीटें राहुल गांधी और कांग्रेस ने वहाँ जीती हैं। तो इसमें ये मानना ज़रूरी हो जाएगा कि राहुल गांधी ने शेर के डेन में कूदे, उनसे चैलेंज करा उनको, उनसे भिड़े, और इसलिए अंग्रेजी में जो फ्रेज होता है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, आई थिंक आज उसका फायदा उनको जरूर हुआ है। मेरा दूसरा निष्कर्ष यह है कि जब 8-9 महीने पहले यूपी का चुनाव हुआ था और बीजेपी ने 80% सीट, 4/5 सीट जीती थी, तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि शायद ये ट्रेंड 2019 तक चलता रहेगा, और कुछ लोग तो बोलने लग गए थे कि अब मोदी जी और बीजेपी 350 सीट लोकसभा में लेके आएंगे 219 में। उस वक्त भी मैंने अपने एडिटर से कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये एक ट्रेंड लाइन है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही ग्राफ बढ़ता रहेगा, मुझको लगता है कि यूपी का चुनाव पीक था। और मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब वहां तक जितने भी चुनाव बीजेपी ने जीते थे उन सब में बीजेपी अंडरडॉग था, बीजेपी ऑपोजिशन में था, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब में बीजेपी ऑपोजिशन में था, इसलिए उसको डबल इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज नहीं था। लेकिन यूपी के बाद जैसे कि गुजरात में चुनाव हुआ, जैसे कि गोवा में चुनाव हुआ, वहां बीजेपी को डबल इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज नहीं था, वहां बीजेपी इनकम्बेंट थी, इसलिए अब यूपी की तरह जीतना आसान नहीं होगा। तो यूपी मेरे लिए एक पीक था, ट्रेंड नहीं था। और यहीं पे मेरा तीसरा निष्कर्ष भी आता है कि अगर आप कई तरह के चुनाव देख लीजिए, स्टूडेंट यूनियन के हों, पंचायत के हों, म्यूनिसपैलिटी के हों, स्टेट असेंबली के हों, बाई इलेक्शन हों, आप देख लीजिए, पंजाब, गोवा, डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो था इलेक्शन, बवाना, चित्रकूट, आप ये जितने भी चुनाव यूपी के जो लोकल चुनाव म्यूनिसपैलिटी और पंचायत के हुए कुछ हफ्ते पहले, आप जितने भी ये चुनाव देखेंगे आप देखेंगे कि बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है, क्योंकि इन सब जगह बीजेपी इनकम्बेंट था, बीजेपी रूलिंग पार्टी था हर जगह, इसीलिए उसके शेयर वोट गिरे हैं। और अब जो चुनाव 2018 में होने जा रहे हैं उन सब में ज़्यादातर बीजेपी इज द रूलर, तो इसलिए उनको डबल इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज का अब सामना करना पड़ेगा। और कुछ ही हफ्तों में बहुत भारी उपचुनाव होने वाले हैं, फूलपुर में, गोरखपुर में, अजमेर में, अलवर में, बिहार में, इन सब में बीजेपी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सीट होल्ड करने के लिए। और उसके बाद 2018 में तो 3 इतने बड़े चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिनमें बीजेपी को डबल इनकम्बेंसी डिसएडवांटेज का फायदा नहीं मिलेगा, उसको उसका नुकसान होगा, कांग्रेस को उसका एडवांटेज होगा। और अब क्योंकि गुजरात में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जो कांग्रेस को फंड्स वगैरह की दिक्कत हो रही थी, डोनर्स नहीं आ रहे थे, शायद अब वो भी हट जाएगी, कम हो जाएगी, और उनको फंड्स और रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक और निष्कर्ष गुजरात के चुनाव से निकलता है। चौथा निष्कर्ष मेरा आता है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बारे में। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन तब भी लोगों ने बहुत
सपोर्ट दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि लोग समझ रहे थे, मान रहे थे कि उन्होंने एक बहुत ही भारी मूव करा है डिसऑनेस्ट लोगों को, अमीर लोगों को चोट पहुंचाने के लिए। तो लोगों ने अपनी तकलीफें सही और खूब जम के पॉलिटिकल सपोर्ट दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और ये पॉलिटिकल सपोर्ट दिखाई दे रहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में। लेकिन उसके बाद जब जीएसटी आया और जीएसटी को जिस बॉचअप के साथ किया गया, जितनी उसमें गलतियां की गई, जिससे लोगों का जो लोगों की जो तकलीफें थी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो डिमोनेटाइजेशन का पॉलिटिकल इफेक्ट कम होता गया, जीएसटी की गलतियां उसके ऊपर एक जिससे कहते हैं कि उसमें ज़्यादा आग में तेल डाला गया और लोगों की तकलीफें बढ़ी। तो अब जो है, अब जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का अब नुकसान सहना पड़ेगा, अब उसका पॉलिटिकल फायदा जो था वो खत्म हो चुका है। मेरा पांचवा निष्कर्ष तो 2019 के चुनाव के बारे में है। कहा जाता था कि ये तो गेम सेट एंड मैच है, खत्म हो चुका है, लेकिन गुजरात के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि जो भी ऑपोजिशन यूनिटी होगी 2019 के लिए वो कांग्रेस के इर्द गिर्द होगी, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि अब वो फलक्रम बनेंगे ऑपोजिशन यूनिटी के। और अगर ऑपोजिशन को 2019 में बीजेपी और मोदी जी का सामना करना है तो उनको एक गठबंधन, महागठबंधन करना जरूरी होगा। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, ये पांच पार्टियों का आना जरूरी होगा अगर मोदी जी और बीजेपी का जो जगरनॉट है, जो इतना बड़ा चुनावी व्हीकल है, उस जो चुनावी उन्होंने जो एक इनविंसिबिलिटी 2014 के बाद अपने आप को इनविंसिबल बना लिया है, उसको अगर रोकना है तो ये गठबंधन करना एकदम अनिवार्य है। वैसे तो मैं पांच निष्कर्ष देने वाला था, लेकिन एक छठा निष्कर्ष जरूर देना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी उसको सुनना चाहें तो। 2014 में जो उनकी इतनी भारी विजय हुई थी, वो विजय इसलिए हुई थी कि 5% कांग्रेस का जो सेंट्रिस्ट वोट है, जो मॉडरेट वोट है, वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ जुड़ गया था। अगर आप 1999 से 2014 के लोकसभा चुनाव देखें तो लगभग 50% वोट बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ बांट रहे थे, तो एक एवरेज 25% ईच का बना है ये 4-5 चुनावों में। लेकिन 2014 में बीजेपी को 30% प्लस मिला, कांग्रेस को 20% से कम मिला, तो 5% जो कांग्रेस के 25% में से 5% था, जो मॉडरेट वोट था, जो सेंट्रिस्ट वोट था, वो बीजेपी के साथ मोदी जी की वजह से जुड़ा, क्योंकि मोदी जी विकास पुरुष थे। मोदी जी ने हमेशा उस वक्त राजनीति करी कि मैं सबको जोड़ के सबको लेके चलूँगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो अल्ट्रा राइट विंग फ्रिंज है उसको जो मोदी जी ने नज़रअंदाज करा है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करी है, तो उससे ये खतरा है कि ये 5% का वोट जो कि कांग्रेस का मॉडरेट वोट मोदी जी को मिला था 2014 में, ये कहीं वापस कांग्रेस में ना चला जाए। अगर ये कहीं वापस कांग्रेस में चला जाता है तो 25% वोट की टक्कर फिर 2019 में होती है, और उसकी वजह से 2019 का चुनाव वाइड ओपन हो जाएगा।